दोस्तों सही मायने में तो जब तक गड्डी को चमकाओ ना तब तक वो खिलती नहीं है फूलों की तरह। और दोस्तों मैं अपनी गड्डी को फ्लावर जैसे रखना चाहता हूँ, इसीलिए ताकि वो जहाँ भी जाए खिलती रहे। क्योंकि दोस्तों आप लोगों को तो पता है ना, फ्लावर जो होते हैं खिले हुए ही अच्छे लगते हैं। फ्लावर मीन्स फूल, फूल मीन्स फ्लावर, दोनों एक ही चीज है मुझे पता है। लेकिन दोस्तों एक टाइप और फूल होता है, वो फूल फूल वाला होता है जो कि अप्रैल फूल में होता है। पता नहीं मैं क्या बकवास कर रहा हूँ, लेकिन आने में दोस्तों मेरी गड्डी चमक चुकी है, मस्त लग रही है, देख रहे हो? मस्त चमक रही है। ये क्या रह गया, इसको भी हटा देता हूँ। चलो दोस्तों अभी तो ऑलमोस्ट काम फिनिश हो गया, मेरी गड्डी यहाँ पे चमक गई है। ओए और दोस्तों देख रहे हो एकदम मस्त लग रही है ये, क्या बात है, एकदम चारों तरफ से चमकाया मैंने इसको। थोड़ा दोस्तों आगे लगा देता हूँ, नहीं तो कोई यहाँ पे पगलू इसको ठोक के ना चला जाए। चलो ये सही रहेगी। चलो दोस्तों अभी अंदर चलता हूँ, देखता हूँ वो होगी ना नूबड़ा क्या कर रहा है। ओए पता नहीं दोस्तों, उसके पास काम धंधा तो रहता नहीं है, लेकिन ठीक है लेटा ही होगा मुझे पता है। वो देखो पता नहीं क्या करता रहता है। ओए आगी क्या कर रहा है? ए भैया क्या बताऊँ यार, ओए क्या बताऊँ, ऐसा क्या हो गया जो तू बता नहीं सकता? ए यार भैया, इस बार के भैया हमारे फाइनेंशियल बहुत बेकार है। ऐसा क्यों हो गया? वरना इतना तो मैं कमाता हूँ। ओए क्या बात कर रहा है? ए यार भैया क्या बात करते हो यार, भैया इस महीने बहुत ज्यादा खर्चा हो गया यार। खर्चा हो गया लेकिन किसमें? भैया एक तो सारा पैसा जो हम लोगों ने इन्वेस्ट किया था ना, वो भी भैया अभी लॉस पे ही चल रहा है। ऐसा क्यों हो गया? और तू ऐसा मुंडा कर निराश बैठा रहेगा ना, तब कुछ हो नहीं सकता है। ओए अरे भैया आप ही देख लो यार। ओए मैं देख लूं? ओए अच्छा मुझे नहीं देखना है, ना कि मुझे कोई इंटरेस्ट है। ओए तेरी तबीयत खराब है क्या? हाँ भैया थोड़ी सी खांसी आ रही थी। ओए दवा ले ले, देखू दोस्तों न्यूज में क्या आ रहा है। वैसे भी दोस्तों आज की एक्सरसाइज वगैरह हो ही गई है, गाड़ी मैंने चमकाई दी है, अब देखता हूँ ये न्यूज कैसी चल रही है, कोई अच्छी न्यूज आ जाए तब तो ठीक है। तो कैसे हो देवी और सज्जनो, लॉस सैंटोस के डिल्लू न्यूज में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज के दिन हम लोग अपनी न्यूज में एक प्रॉपर्टी को कवर करने वाले हैं जिसकी कीमत है सिर्फ $1। $1? क्या बात कर रहा है? बिल्कुल सही सुना आपने, उसकी कीमत है सिर्फ और सिर्फ $1। लेकिन दोस्तों $1 सुन के आप यहाँ पे हैरान मत हो जाइए, क्योंकि मैं भी उतना हैरान हुआ था। तो दोस्तों इस प्रॉपर्टी के पीछे कई राज भी छुपे हुए हैं, इसीलिए दोस्तों ये प्रॉपर्टी इतनी सस्पिशियस है। तो आखिरकार वो राज क्या हो सकते हैं? तो दोस्तों वो राज हम लोग 8 बजे वाली न्यूज में कवर करेंगे, तो देखना मत भूलिएगा। बाकी दोस्तों इस प्रॉपर्टी डीलर को कांटेक्ट करने के लिए 1233224 में आप डायल करके प्रॉपर्टी की डिटेल ले सकते हैं। ओए दोस्तों मैं तो शॉक हो गया, $1 की प्रॉपर्टी, ये कैसे हो सकता है? ओए दोस्तों $1 की प्रॉपर्टी, ओए ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जो $1 की है? ओए मुन्ना अब हमारे फाइनेंशियल एकदम सुधरने वाले हैं। ऐसा क्यों हो गया? ओए तू दवा ले ले। ओए सुन पहली मेरी बात। सुनो भैया। ओए लॉस सैंटोस में $1 की प्रॉपर्टी मिल रही है। अरे यार भैया तो बाप ऐसा तो नहीं उस डीलर को कॉल लगाने वाले हो? क्या था 1233221? हेलो सर जी। अरे यार भैया कॉल भी लगा देती हूँ। ओए शांत रह ले। यानी कौन हो तुम? सर जी मैंने आपका एडवर्टाइजमेंट देखा $1 की प्रॉपर्टी वाला। सर कैसे है? ओए मैं तो बढ़िया हूँ, तू बता। सर मैं भी बढ़िया हूँ। तो सर आप हमारी प्रॉपर्टी के लिए इंटरेस्टेड हुए हैं? ओए हाँ इसने तुझे कॉल लगाया है। ओए मुझे चाहिए, जल्दी से मेरे घर में प्रॉपर्टी पेपर लेके आ जा। सर हम अभी 3-2-1 करके पहुँचते हैं, क्योंकि न तीर से न तलवार से प्रॉपर्टी डीलर आएगा अपनी कार से। ओए चल ठीक है, सायरी वोरी हो गया तो फोन रख। ठीक है सर, बाय बाय। ओए चल मुन्ना मैंने डीलिंग कर ली है। अरे यार भैया आप ऐसी भी कोई प्रॉपर्टी कैसे डीलिंग कर लेते हो यार, $1 के पीछे क्या राज है भैया? वो दिल्ली न्यूज में आप 8 बजे सुनिएगा ना। 8 बजे का टाइम नहीं है, पागल है क्या? $1 की भैया वो क्यों बेच रहा है? ओए मुन्ना उससे क्या फर्क पड़ता है, चल आ जा मुन्ना। आज के मुन्ना एकदम $1 की प्रॉपर्टी खरीद के दोस्तों उसको हम लोग $10,000 की बेचेंगे। ए भैया मुझे इस तरह की प्रॉपर्टी में भरोसा नहीं रहता। ओए मुन्ना देखने में क्या जाता है भैया? ओए ये फोन किसका आ रहा है? ओए पता नहीं दोस्तों किसका फोन आ गया। ओए ये बाप क्यों कॉल कर रहा है? अरे उठा लो ना भैया, किसी काम से होगा।
ओए हाँ चल ठीक है। आहो हिचका हिचका टक टक। ओए तू कौन है? आहो भूल गया क्या, मैं हूँ। ओए मैं कौन, बकरी है क्या? मुझे भी यही डायलॉग एक बार बोला था ना। आहो मैं टक टक भी कर दूंगा, कहाँ पे है तू? ओए मैं घर में हूँ, और कहाँ पे हूँ? आहो घर में, चल अच्छी बात है, वैसे मैं कहीं पे जा रहा हूँ। ओए कहाँ जा रहा है? आहो कहीं तो जा रहा हूँ। ओए तो जा फिर। आओ मैं सोचा था कि हम तीनों लोग साथ चलेंगे तो मजा आएगा। लेकिन जा कहाँ पे रहा है? आओ एक प्रॉपर्टी देखने जा रहा हूँ। प्रॉपर्टी? ओए हम लोग भी एक प्रॉपर्टी देखने ही जा रहे हैं। आओ क्या बात कर रहा है, फिर तो मैं तेरे घर आता हूँ और जल्दी से सब लोग साथ चलेंगे। ओए हाँ ठीक है जल्दी आ जा। ओए ये क्या मुन्ना, ये बॉब भी प्रॉपर्टी देखने जा रहा है? ए यार भैया कहीं वो $1 वाली प्रॉपर्टी तो नहीं है? और ओए $1 कैसे हो सकती है, चल आजा बाहर, वो डीलर आ गया होगा। जानी लगता है दोस्तों मैं पहुंच गया हूँ सर के घर। हेलो सर, आप ही हो क्या मिस्टर जैक? ओए तू कौन है? सर मैं वो डीलर हूँ $1 प्रॉपर्टी वाला। ओए तो डीलर है कि भिखारी है? अरे सर मेरी साइकिल देख के मत जाइए, हेल्थ कॉन्शियस के लिए सर मैं साइकिल ही चलाता हूँ। हाँ ठीक है, वो बता वो $1 की प्रॉपर्टी का क्या यहाँ पे मामला है, तू $1 क्यों बेच रहा है? सर एक्चुअली में बात ये है कि जो हमारे शहर है ना वो इस कंट्री को छोड़े कहीं बाहर जा रहे हैं, तो प्रॉपर्टी बहुत सस्ते में बेच के जा रहे हैं। भाई कुछ ज्यादा सस्ते नहीं बेच रहा मुन्ना, $1 की? वही तो बात है, $1 की कौन प्रॉपर्टी बेचता है यार। सर $1 की बेच रहे हैं, उनकी मर्जी है, क्योंकि वो सोच रहे हैं कि इससे गरीबों का भला हो जाएगा। ओए तुझे लगता है हम लोग गरीब हैं? ओए फोट डालूंगा तुझे मैं, समझ रहा है ना, मेरी बॉडी देख रहा है तू? सर मुझे आपको हर्ट करने का कोई ऐसा इरादा नहीं है, तो सर प्रॉपर्टी पेपर साइन कर लिए जाए। हाँ चल ठीक है ले आओ, प्रॉपर्टी पेपर किधर है? तो सर ये प्रॉपर्टी आपको $1 में दी जाती है, और इस प्रॉपर्टी के कई सारे फायदे भी है, 10 साल में आपको इसके रिटर्न बहुत ज्यादा मिलने वाले हैं सर। वो चल हमें पता है, जहाँ बेचना है जहाँ पे खरीदना है वो सब हमें सब समझा, मैं जल्दी से साइन करवा। ए भैया एक बार फिर से सोच लो, साइन करने का मतलब समझ रहा हो ना? आए क्या जाता है $1 की दबन्ना, नहीं अच्छी होगी तो नहीं लेंगे, सिंपल सी बात है। ए यार भैया इस तरह की मुझे प्रॉपर्टी बहुत बेकार लग करती है, $1 कौन सी प्रॉपर्टी होती है? सर साइन कर दीजिए इधर। ओए हाँ ला तेरा साइन कर देता हूँ मैं पहले। तो चलिए सर मैं चलता हूँ, क्योंकि ना तीर से ना तलवार से प्रॉपर्टी डीलर जाएगा साइकिल की धार से। ओए साइकिल, ओए अभी तो उधर कार बोल रहा था। चलिए सर बाय बाय प्रॉपर्टी, होप सो आपको अच्छी लगे। हे भैया देखा वो हंस के गया। ओए मुन्ना हंस के गया क्या, इंसान कभी हंसता नहीं है क्या, जाने दे उसको। आओ दोस्तों आज मैं प्रॉपर्टी देखने जा रहा हूँ, हिचका हिचका मजा आएगा। आहो ये इधर क्या हो गया, टक्के टक्के हो गए क्या गाड़ियों के? आओ मैडम जी ऐसे उतर के भागोगे तो लग जाएगा। आओ क्या बात है, प्रॉपर्टी बेच दी? आओ ये कौन, आओ 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 ये क्या, दिखता नहीं है क्या, टक्के टक्के हो गए, चल निकल यहाँ से। पता नहीं दोस्तों कैसे कैसे नमूने आ जाते हैं। चलो मैं भी फिलहाल तो आगे जैक का घर चलता हूँ, क्योंकि दोस्तों आज मैं भी एक प्रॉपर्टी देखने जा रहा हूँ। हिचका हिचका, आओ क्या बात है, आगे और जैक तुम लोग यहीं पे खड़े हुए हो? बाप तू आ गया, वही तो जल्दी आ गया। आओ मैं तो रास्ते में ही था। आओ आगे कैसे हो? ए बाप एकदम मस्त, तुम बताओ? मैं भी एकदम मस्त हूँ, जग्गा हिचका हिचका। ए यार तो हम लोग जा रहे हैं प्रॉपर्टी देखने। ए भैया आपकी $1 प्रॉपर्टी मुझे कुछ ठीक नहीं लगती। आहो क्या बात कर रहे हो, $1 के? मैं भी $1 वाली प्रॉपर्टी देखने जा रहा हूँ। क्या बात कर रहा है, $1 की धूपी देखने जा रहा हूँ, ये कैसे हो सकता है? मैंने पहले ही बोला था भैया फ्रॉड है वो। आहो तो मुझे वो बंदा चूना लगा गया। ओए हाँ चूना लगा गया मुझे भी, मैंने पहले ही बोला था यार इस तरह की प्रॉपर्टी भी कभी भरोसा नहीं करने का। लेकिन वो डिल्लू ने उसे बताया था। अरे यार भैया डिल्लू कुछ भी बता देगा तो भैया आप सुन लोगे, उसके भैया उसके पास फोन आया था, देखा नहीं था? फोन कैसा फोन? अरे भैया वो लोग एडवर्टाइजमेंट करते हैं। अच्छा ये मतलब बेवकूफ बन गए हम लोग? हाँ भैया एब्सोल्युटली बेवकूफ बन गया। उसके टक टक करने चाहिए। वो तो मिल गया, तोड़ दूंगा फोड़ दूंगा। लेकिन मुन्ना उसने हम लोग की प्रॉपर्टी डिटेल दी है पूरी। ए भैया उस प्रॉपर्टी पे क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, क्या पता किसको? तो क्या है दिक्कत, देखने में क्या जाता है, क्यों बाप तू भी तो वही जा रहा है? ओ बात तो सही है, क्यों ना होगी हम लोग उस प्रॉपर्टी को चल के देख ले आखिरकार मामला क्या है, मामला होगा तो सुलझा दिया जाएगा। वह गुंडे उंडे हो गए तो भगा दिया जाएगा। मुन्ना तेरे भैया के ऊपर तुझे भरोसा तो है ना?
भरोसा से क्या होता है भैया, क्या पता उस प्रॉपर्टी पे भैया बहुत सारे गैंग ने कब्जा करके रखा होगा। अरे गैंग के ऐसे की तरह बहुत डालेंगे उसको, क्या पता भैया वो प्रॉपर्टी भूत या प्रॉपर्टी हो। भूत? हाँ हो सकता है भैया। ओह भूत, भूत राजा बजाएगा बाजा, हचका। ये तो बात है, बात सही है। और तो क्या करे? ए, मैं तो कहता हूँ भैया हम लोग उस प्रॉपर्टी को छोड़ देते हैं। आए नहीं, मैं नहीं छोड़ने वाला, चल बाब हम लोग चलते हैं। अरे यार आप लोग नहीं मानोगे? वाह चल चल गाड़ी में बैठ। हाँ भैया चलो ठीक है फिर, चलाओ ड्राइव करो। और क्या वाह बाब वो प्रॉपर्टी लेके रहनी है। आ? आओ बिल्कुल सही कहा। चलो मैं भी बैठ जाता हूँ। आओ मैं तेरे बगल में बैठता हूँ जाके। ओए बाप उसका मैप तुझे पता है? आओ पता है पता है, चल चल तू चला गड्डे, मैं बताता हूँ कहाँ पे हो प्रॉपर्टी। ओए चलो दोस्तों हम लोग चले प्रॉपर्टी देखने। ओए क्या बात है, ओए मजे आ जाएगी मुन्ना, अगर अच्छी प्रॉपर्टी होगी तो। ए भैया मुझे तो कुछ गड़बड़ लगती है यार इस तरह की प्रॉपर्टी में, कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। ये क्या, आओ तू गाड़ी ठीक से चला ले, मैं तुझको बताता हूँ चलना कहाँ पे। प्रॉपर्टी जंगलों के बीच में है क्या? ओ यही तो बात है, प्रॉपर्टी बहुत सस्पिशियस थी, पता नहीं कहाँ पे डाल के रखा हुआ है। भाई चलो हमसे क्या है, उसको सेल कर देंगे वो भी 5 गुना प्राइस में, हम भी ऐसा एडवर्टाइजमेंट करा देंगे। ओ लेकिन इस तरह की प्रॉपर्टी पे भरोसा नहीं करना चाहिए, जैकी मेरा मानना तो यही है। तो फिर तूने क्यों भरोसा कर लिया? एक्चुअली में मेरे भी फाइनेंशियल बहुत ही बेकार चल रहे थे, तो $1 की प्रॉपर्टी देख कर मैंने भी सोचा खरीद लिया जाए। अच्छा ये बात है, और फाइनेंशियल तो हम लोग के भी एकदम बेकार चल रहे हैं। बट एनीवे दोस्तों हम लोग प्रॉपर्टी देखने जाएंगे और उस प्रॉपर्टी में जिसका भी कब्जा होगा उसको भगा देंगे और उसमें एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बनवाएंगे जिसमें बिजनेस करेंगे। क्यों बाबा? ए यार आप लोग ये सपने देखना बंद करो, सबसे पहले प्रॉपर्टी देखने चलते हो। वही तो चल रहा है मुन्ना। ओए ये गाड़ी चल क्यों नहीं रही? ओए क्या हो गया आप, तेरी तो यही से मोड़ना था ना बाप। आओ पीछे निकल गया वो रास्ता। ओए गाड़ी क्या हो गया? मुन्ना गाड़ी कुछ हो गया है, अरे धुआं निकल रहा है गाड़ी से, उतरो गाड़ी से। ओए ऐसा क्या हो गया? ओए खटारा गाड़ी ये ले। ए यार भैया खटारा मत बोलो उसको। आओ तू ही तो ऐसी खटारा गाड़ी लाता है, ऐसी गाड़ी लाने से अच्छा मेरी गड्डी ले आता। ओए गड्डी सही सलामत थी, मैंने सुबह एकदम मस्त रिपेयरिंग की थी, क्लीनिंग की थी, पता नहीं क्या हो गया दोस्तों। आओ इसमें से तो धुआं निकल रहा है, मुझे नहीं लगता इसको हम लोग आज सही कर पाएंगे। और तो फिर क्या करे? आओ इसको यहीं पे छोड़ देते हैं, मैकेनिक को कॉल कर दे उठा ले जाएगा। ओए हाँ मुझे भी लगता है। ओए तो फिर अब कैसे चले? आओ वैसे प्रॉपर्टी नियर बाय ही है, हम लोग पैदल चल के भी जा सकते हैं। अब पागल है क्या, पैदल चल के इतना दूर कौन जाएगा? आओ तो क्या है तेरे पास कोई आइडिया है क्या? मेरे पास एक्चुअली में तो कोई आइडिया है नहीं है दोस्तों, सबसे पहले मैकेनिक को कॉल कर देता हूँ, नहीं तो मेरी गाड़ी कोई उठा ले जाएगा। ओए वाओ यार पिंकू मैकेनिक इज हियर यार वाओ। ओए पिंकू अब मेरी गाड़ी यहाँ पे, ये एड्रेस क्या है? ओ NH30। ओए हाँ NH30 पे यहाँ पे खड़ी हुई है, तो मेरी गाड़ी को रिपेयरिंग जरूरत है, तू अपने रिपेयर शॉप में ले जाके रिपेयर कर देना, मैं आके गाड़ी पिक कर लूंगा। वाओ यार ठीक है पिंकू, रिपेयर शॉप में कॉल करने के लिए धन्यवाद। ओए हाँ ठीक है पिंकू, बाय बाय। भाई चल मुन्ना बता तो दिया है उसको, गाड़ी वो लोग उठा ले जाएंगे। ए यार भैया अभी कहाँ पे जाए? अभी मुन्ना प्रॉपर्टी देखने आए हैं तो प्रॉपर्टी देख के जाएंगे। ओए ए यार लेकिन भैया है किधर? ओ हम लोग को शॉर्टकट पकड़ना चाहिए, रोड से जाएंगे तो कोई हम लोग को उड़ा देगा। भाई शॉर्टकट कौन सा शॉर्टकट? खेतों वाला शॉर्टकट। ओ अच्छा हाँ इधर है, आ जाओ फिर जल्दी से दौड़ के आ जाओ, क्या कर रहे हो? वैसे बाप यहाँ से कितना दूर है? ओ यहाँ से थोड़ा ही दूर है, बस आने ही वाला होगा। अरे बाप रे दोस्तों, चलो दोस्तों खेतों से होके चलते हैं और क्या। अब तो कुछ बच्चा है नहीं है तो ऐसे ही जाना पड़ेगा, क्यों दोस्तों? ए रुको ना भैया मेरे लिए भी। बाप रे गाइस फेंसेस वगैरह पार करके जाना पड़ रहा है। हे यार भैया ये जगह कुछ आपको बड़ी अजीब सी नहीं लग रही? भाई अजीब अजीब सी क्या मुन्ना, यहाँ पे फार्मर्स काम करते हैं और क्या, देख रहा है चारों तरफ खेत ही खेत है। पता नहीं क्या है। ओए तुम लोग इतना पीछे क्यों हो, इतना धीमा चलोगे तो हो गया, जल्दी आओ हम लोग को लौटना भी है रात को। रात तो भैया जाते जाते हो जाएगी यार ऐसे चलोगे तो। ओए तो फिर आओ दौड़ लगाते हैं। ओए चलो चलो आ जाओ जल्दी जल्दी दौड़ लगाओ मेरे पीछे पीछे। आओ रुक जा मैं दौड़ नहीं पा रहा। ओए मोटे इतना खाएगा तो कैसे दौड़ पाएगा दोस्तों, क्या बताऊँ ये आजकल के यंग जनरेशन दौड़ भी नहीं पाते है। ए यार तो भैया आप कौन सी पुरानी जनरेशन के हो? आओ ये बुढ़ा बाबा है ना इसीलिए। ओए चुप कर जल्दी आ जाओ यहाँ पे। ओए दोस्तों चलते चलते रात हो चुकी है। ओए बाप क्या बोल रहा था, यहीं पे है प्रॉपर्टी?
ओहो वो देख सामने, सामने तो कुछ नहीं दिख रहा, सामने धुआं दिख रहा है। ओहो धुआं दिख रहा है क्या मतलब है, उधर ही तो अपनी प्रॉपर्टी है। ओए क्या मतलब है, प्रॉपर्टी में आग लग चुकी है। ओहो क्या पता, ओए वैसे भी हम लोग को उससे क्या, हम लोग को तो वहाँ की जमीन चाहिए। ओए ओ मैं लेकिन थक चुका हूँ बहुत ज्यादा जाके, आराम कर लेते हैं ना। ओए पागल है क्या, आराम करने से क्या मिलेगा हा? जल्दी जल्दी आओ मेरे पीछे पीछे, नहीं तो ऐसे देर हो जाएगी। ओए हे भैया देखो ना सामने कोई आ रहा है। ओए हमारे लिए थोड़ी आ रहा होगा, ये क्या, ओए तेरी तो, इधर आओ इधर आओ, जल्दी जल्दी आओ। हे क्या, अरे 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 ये लोग मार, अरे बाप ये लोग कौन है, हट तेरी तो, कौन है तुम लोग। ए, ये कहाँ पे कौन से लोग है, अरे भैया आपको मार रहे हो, तुम लोग क्या कर रहे हो, ऐसे देखोगे तो हो गया फिर। ओए मुन्ना आखिरकार इस जगह में चल क्या रहा है। ओए वही तो मुझे भी नहीं पता, हम लोग को इस जगह से निकलना चाहिए। नहीं मुन्ना अब हम लोग इस जगह में आ चुके हैं तो इस जगह का राज जरूर यहाँ पे देख के ही रहेंगे। ओए एक मिनट दोस्तों, एक और मैडम जी। ओए तुम्हारी तो, तुम लोग हो कौन हा? ए भैया वो आपके पास आ रही है। ओए तो पास आ रही है तो पिट के भी जाएगी। ओए ये लो ये लो ये लो ये लो ये लो, अरे बाप रे ये किस मिट्टी के बने, इनको लग ही नहीं रहा कुछ। आओ रुक जा मैं ठक टिक करता हूँ, ठक टक। आओ फिर से उठ रहा है। ओए तुम्हारी तो, अरे 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 ओए इधर आ जाओ, इधर आ जाओ ज्यादा सही रहेगा। लगता है दोस्तों मुझे दूसरी गन निकालनी ही पड़ेगी, रुक जा अब बताता हूँ इन लोगों को। आ कहा गए, ये ले हट तेरी तो, ये मरी नहीं रही, किस मिट्टी की बनी, हट तेरी तो, ये ले। अरे 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 भैया ये आप ही को मारे जा रही है। अरे बाप रे ये तो मरी नहीं रही है, ये लोग है कौन हा? ए भाई हम लोग प्रॉपर्टी काफी करीब है, प्रॉपर्टी करीब। अरे क्यों मार रहा है दोस्त, पगला गया है क्या? आओ टक टक जाके हम लोग को यहाँ से निकलना चाहिए। ओए पागल है क्या बाप, निकल के क्या करेंगे, रुक जा अभी बताता हूँ। ओए दोस्त कैसा है, ये ले आओ पीछे देख जाके। ओए ये कहाँ से आ गया, अरे बाप रे तो जलता हुआ घोस्ट है। आओ तेरी बैंड बजा देगा। ओए इसकी तो बैंड मैं बजाऊंगा, अरे मर जा तेरी तो, क्या 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 बना ये। आओ बोला था ये जगह बहुत बेकार है, हम लोग को यहाँ नहीं आना चाहिए। ओए आखिरकार यहाँ पे चल क्या रहा है दोस्तों। ओए तू कौन है, ये घोस्ट राइडर बन क्यों आया है। ओ, ये लो मारो मारो, आओ मारो इनके ठक टिक करो, ठक टिक ठक टिक। आओ क्या जगह है ये, ओए ये लोग तो दोस्तों मर ही नहीं रहे। अरे ये दादी क्यों नहीं मर रही है, पता नहीं लगता है दादी के पास अनलिमिटेड हेल्थ है। ओए बाप हट जा, आओ मैंने इसके ठाक टिकी कर दी है। आओ ए भैया को मारती है, ए इधर देख ये ले। अब बताता हूँ भाई, बहुत बढ़िया मुन्ना। ओए तुम्हारी तो यहाँ के गैंगस्टर कौन है, यहाँ पे आखिरकार चल क्या रहा है, समझ नहीं आ रहा मुझे। आओ समझ में तो मुझे भी नहीं आ रहा है, कौन है बाहर जाओ, किसको आना है। ओए ये क्या हो रहा है दोस्तों, आसमान में धुआं ही धुआं, काले बादल। ओए आगी भाई आप कहाँ पे हो। ओए दोस्तों पता नहीं मैं कहाँ पे टेलीपोर्ट हो गया, हट तेरी तो। ओए बाप ओए आगी कहाँ पे चले गए तुम लोग, यही पे तो थे। अरे बाप रे दोस्तों बारिश भी होने लगी है। ओए ये कौन है, आओ मैं हूँ जल्दी आ। ओए तू कहाँ से फंस गया इधर, अरे बाप रे बाबा ऊपर आ कैसे फंस गया। आओ पता नहीं अचानक से कैसे टेलीपोर्ट हो गया मैं। ओए आगे किधर है, आओ मुझे अभी नहीं पता है, पहले मुझे निकाल। ओए आजा निकल आया। ओए ये कौन है, ओए तू यहाँ क्या कर रहा है, चल निकल यहाँ से। ओए आगे की ढूंढ पहले, आओ आगे किधर हो सकता है। ओए वही तो मैं भी ढूंढ रहा हूँ, एक तो बारिश हो रही दोस्तों, कैसी बारिश है, ये जल रहा है फिर भी। ओहो आगे किधर है, ओए तू नूबड़े जल्दी है, मैं आगे को ढूंढता हूँ। ओए ओए दोस्तों ये कौन है, ओहो संभल कर जाके। ओए ये जिंदा है, ओए तेरी तो, ये ले चल निकल यहाँ से। एडम जी क्यों आ रही है, बाप रे दोस्तों ये जगह तो सही में भूतिया है। ओए उस प्रॉपर्टी डीलर को छोड़ूंगा नहीं मैं, बाप आगे की ढूंढ, आगे किधर है। ओहो यही तो मुझे नहीं पता चल पा रहा, आगे है किधर। ओए आगे आगे मेरे भाई किधर है तू, दोस्तों लगता है मुझे अंदर घुसना ही पड़ेगा। ओए अरे बाप रे मेरा भाई किधर है, ओए आगे इधर है क्या तू, इधर भी नहीं है। ओए किधर चला जा सकता है बाबा, आओ वो भी तो मैं भी फंस गया था अचानक से। ओए इधर कौन, अरे अरे ओए तू कौन, अरे अरे तेरी तो, रुक जा ये ले हट तेरी तो, घर को चला रहा है फालतू को। ओए ये क्या दोस्तों ये फिर भी, हाँ अरे गायब हो गया दोस्तों, आपने देखा गायब हो गया। ओए आखिर गाय लोग का मकसद क्या है, हाँ दोस्तों लगता है इस घर में आके मैंने भी बहुत बड़ी गलती कर दी है। ओए आगे मेरा भाई मैं तुझे ढूंढने आया हूँ, तू है किधर, किधर चला गया दोस्तों मेरा भाई। ओए आगे
आओ आगे, कहाँ पे आओ? किधर है? ओए, अरे बाप रे दोस्तों, ये किसकी बॉडी है? ये घर पूरा का पूरा जला हुआ है दोस्तों, रोगी को ढूंढना यहाँ पे बहुत मुश्किल हो रहा है। ओए रोगी, किधर है? ए भैया, ओए रोगी, कहाँ पे तू? ए भैया, मैं फंस गया हूँ। अरे बाप रे मुन्ना, इधर आ, रुक जा, आज तेरी तो ये सारी चीजें मेरे भाई को नहीं फंसा सकती है। ये ले, तोड़ दूंगा फोड़ दूंगा इन सारी चीजों को मैं। ओए चल मुन्ना, निकल आया तू। थैंक यू यार भैया। ओए चल चल चल, जल्दी आ जल्दी आ। बाप रे दोस्तों, ये जगह बहुत बेकार है, निकलना पड़ेगा बाप हम लोग को। ओह लेकिन कैसे जाए? ओए चल चल, रोड में कोई ना कोई गाड़ी मिल जाएगी। ओए आगे जल्दी यार, क्या कर रहा है तू? ओए जल्दी चलो इस जगह से, जितना जल्दी से निकल सके उतना ही सही रहेगा। ओए ये कौन है? अरे बाप रे दोस्तों, ये लोग तो ऐसे नहीं मानेंगे। ये लो, चल निकल यहाँ से। बाप रे दोस्तों, इतने सारे ये बंदे है कौन? ओए ये कौन चिपका हुआ है? हाँ ओए एक और। बाप रे दोस्तों, मुझे लगता है ये नहीं। ओए तुम लोग इधर ही रुको। कहाँ पे चले गए? ओए इतना पीछे रहोगे कैसे चलेगा? रुक जाओ, मैं गाड़ी लेके आता हूँ। आओ जाके, हम लोग तो गोल गोल उसी जगह पे घूम रहे हैं। ओए गोल गोल घूम रहे हैं क्योंकि गाड़ी मिल नहीं रही, मैंने चारों तरफ देख लिया। ओए आओ, मुझे लगता है हम लोग को हाईवे तक पैदल भागना पड़ेगा, तभी हम लोग कुछ कर पाएंगे। ओए तो फिर चलो, भागने के लिए तैयार हो जाओ, जो भी रास्ते मिले उड़ा देना। ओए आओ, ठीक है चल फिर चलते हैं। ओए जल्दी जल्दी आओ, निकलो यहाँ से, बहुत डेंजर जगह है ये। ओए दोस्तों, $1 तो हमारे लिए काफी भारी पड़ गया। ओए जल्दी जल्दी आओ, क्या कर रहे हो? ओए लिफ्ट प्लीज। हेलो हेलो, इधर देखो। आओ गड्ढे मिल गई क्या? ओए हाँ गड्ढी मिल गए। ओए तुम लोग रास्ते में क्या कर रहे हो, जाओ यहाँ से। ओए चलो दोस्तों, गड्ढी तो मिल गई है, क्या करे, हम लोग को अपनी सेफ्टी यहाँ पे ध्यान रखना पड़ता है। जल्दी जल्दी बैठो। आओ गड्ढी कहाँ से मिल गई? ओए वो रास्ते में थी गड्ढी। ये क्ले लोग कौन आ गए? आओ रुक जा, मुझे बैठने दे। ओए जल्दी बैठ नूबड़े। आओ चल जल्दी गड्डी भागा। ओए हाँ बैठ गया ना तू? बैठ गया, जल्दी जल्दी चलना पड़ेगा। ओए हाँ चल ही रहा हूँ नूबड़े। अरे बाप रे दोस्तों, अरे अरे चलता हुआ। आओ पागल है क्या? ये क्या? आओ गड्ढे ठीक से चला नूबड़े। हेलीकॉप्टर? हाँ वो इधर आओ, इससे बढ़िया चॉइस का होगी। जल्दी 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 आओ, जल्दी आओ। आओ हेलीकॉप्टर में बैठ जाएंगे क्या? ओए जल्दी आओ, इससे बढ़िया कोई बात नहीं होगी, जल्दी जल्दी बैठो। आओ तू चला लेता है क्या? ओए तू चुपचाप से बैठ जा, मेरे ऊपर शक मत कर। ये हेलीकॉप्टर छोड़ के कौन गया है? आओ वो तो पता नहीं किसने छोड़ा है। ओए चलो उड़ने के लिए तैयार हो जाओ। ए भैया ठीक से चलाना प्लीज। ओए एकदम मुन्ना ठीक से चलाऊंगा, बहुत डेंजर जगह ये तो। बाप रे देख रहे हो इसके अराउंड। ए भैया इधर तो खूंखार जानवर रहते हैं। खूंखार? ये तो दानव लोग हैं, दानव, इनको भूत भी नहीं कह सकते हैं। ए चलो गाइस, हम लोग तो चले अपने घर। बाप रे कभी नहीं आऊंगा यहाँ पे। और भैया आपने कभी इस तरह की प्रॉपर्टी भी दोबारा कभी बिलीव किया ना, तो मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। आओ दोस्तों, हम लोग का तो बेवकूफ बन गया, हिचका हिचका। आओ लेकिन दोस्तों किसी तरह से हम लोग बच जरूर गए। चलो दोस्तों हम लोग तो चले यहाँ से, लेकिन दोस्तों आप लोग को भी इस तरह की प्रॉपर्टी भी कभी बिलीव नहीं करना चाहिए GTA 5 में। चलो दोस्तों हम लोग चल रहे हैं फिलहाल घर। और आप लोग को वीडियो अभी तक पसंद आई हो तो दोस्तों वीडियो पे लाइक कर दीजिएगा, साथ ही में करिएगा चैनल को सब्सक्राइब। हाँ गाइस, और हम लोग आप सभी को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेके, तब तक के लिए सभी को टिल देन टेक केयर, बाय बाय। बाय बाय दोस्तों, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।